धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। धुरकी प्रखंड के नव निर्वाचित 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष इंजीनियर ओबेदुल्ला हक अंसारी ने मंगलवार को 20 सूत्री प्रखंड कार्यालय में बैठकर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली एवं सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हुए सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीणों ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बगैर पैसे के कोई भी कार्य नहीं होता है, हर कार्य में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। वही अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी कार्य के लिए ग्रामीणों को बिचौलियों को चक्कर में नहीं आना है और ना ही कहीं चढ़ावा चढ़ाना है। किसी भी कार्य के लिए बेहिचक हमसे विकास कार्यों के बारे में जानकारी एवं सलाह लें। हर समस्या का हर संभव निवारण हेतु प्रयास करूंगा। उन्होंने प्रखंड के ताहिर हुसैन से विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए इस पद को झारखंड सरकार ने लागू किया है। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ समस्याओं का त्वरित निदान भी किया गया। मौके पर बिलाल अंसारी, जमाल अंसारी, धीरेंद्र यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।